नमस्कार, मैं कपीश भल्ला और आप देख रहे हैं उदयपुर खबर। राजस्थान में होने वाले चुनाव को लेकर गहमा गहमी बनी हुई है। लोगों के मध्य अपने अपने विचारधारा से जुड़े प्रत्याशी को लेकर उनकी जीत और हार का संशय भी बना हुआ है, और इसी संशय को दूर करने के लिए वह शहर के मीडिया से जुड़ते हुए यह जानने का प्रयास कर रहा है कि आखिरकार लोगों के दिलों में क्या चल रहा है, शहर में रुझान क्या चल रहा है। और इसी जनता के संशय को बांटने और दूर करने के लिए प्रत्येक मीडियाकर्मी मेवाड़ की 8 विधानसभा के दोनों ही प्रत्याशियों के पास पहुंच कर उनके मन की बात तो कभी संबंधित प्रत्याशी के क्षेत्राधिकार में रहने वाली लोगों से बातें कर लोगों तक पहुंचाने का काम करते हुए संबंधित संशय को समाप्त करने के काम कर रहे हैं। ऐसे ही उदयपुर शहर में अपने आप की लेखनी और पत्रकारिता के लिए जाने जाने वाले एक पत्रकार ने मोदी की सभा के बाद मावली विधानसभा भाजपा प्रत्याशी कृष्ण गोपाल पालीवाल से बात करना चाहा, तो उन्होंने मीडिया से बात करने से ही इनकार कर दिया। जबकि लोगों तक अपनी बात और अपने मुद्दों को पहुँचाने के लिए हर नेता अब सभी शैली के पत्रकारों को अपने खेमे का रत्न बना अपनी ही पार्टी की वाहवाही जनता तक पहुंचाने के लिए अपने साथ या अपना बनाकर रख रहा है। ऐसे में भाजपा प्रत्याशी कृष्ण गोपाल पालीवाल मीडिया से दूरी बनाना कहीं ना कहीं उनके नाम के आगे लगने वाले प्रोफेसर पर भी सवालिया निशान खड़ा कर रहा है। वहीं नामांकन के दिन भी एक मीडियाकर्मी द्वारा कृष्ण गोपाल पालीवाल से MLA का फॉर्म पूछने की बात को लेकर भी ऐसा प्रतीत होता है कि मावली भाजपा प्रत्याशी कृष्ण गोपाल पालीवाल मीडिया के माइक को देखते ही बौखला से जाते हैं और सवालों के जवाब देने में अचरज सा महसूस करने लग जाते हैं। हालांकि ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि वह मीडिया से बात नहीं करते हैं, लेकिन वह जिस मीडिया से बात करते हैं वह मीडिया रूपी चिड़िया इन्हीं के घरों के पिंजरों में बंद रहने की आदत सी बना चुकी है। मावली से जो प्रत्याशी हैं कृष्ण गोपाल पालीवाल, वो यहाँ पर मुझे लोगों के साथ नजर आ रहे हैं। कृष्ण गोपाल पालीवाल जो मावली के प्रत्याशी हैं और बिल्कुल लास्ट मोमेंट पर जो है टिकट उनका हुआ, लिस्ट हुई है, तो एक बार हम उनसे बात करते हैं कि कृष्ण गोपाल पालीवाल यहाँ पर मौजूद है। कृष्ण गोपाल जी, मीडिया आपसे बात कर रहा है और आप ये कह रहे हैं कार्यकर्ता से बात कर रहे हैं, कार्यकर्ता से बात करनी पड़ेगी, कार्यकर्ता से आप बात कर रहे हैं। प्रत्याशी हैं और मोदी जी सभा करके गए हैं, तो आप कुछ तो कहेंगे, लेकिन कार्यकर्ता से बात, ठीक है। कृष्ण गोपाल पालीवाल जो है शायद बात नहीं करना चाहते, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि उन्हें लगता है कि अभी